May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Have a seat. Thank you, sir. क्या शुभ नाम है आपका मैडम? सर मेरा नाम अभिलाषा सिंह राठौर है। कहाँ से हैं आप? सर मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश। आप अपने एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता दीजिए पूरा, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कैसा? सर मेरा नाम अभिलाषा सिंह राठौर है, मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से आई हूँ और 2021 में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है BLLB में फ्रॉम गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, और अभी मैं MPA DPO की तैयारी कर रही हूँ। फादर आपके क्या करते हैं? माई फादर इज़ एन एडवोकेट। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? सर माई हॉबीज़ आर हॉस्पिटैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड लिसनिंग म्यूजिक। अच्छा, आपने अपना नाम बताया, क्या एक बार फिर से नाम रिपीट करिएगा? अभिलाषा सिंह राठौर। एग्जैक्टली, तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि आप कास्टिज्म पे बिलीव करते हो क्या? आपको लगता है कि अभी कास्टिज्म हो गया या जातिवाद जिसे कहें तो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कर रहा है तो आप उसको कैसे हटाने की कोशिश करोगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? ये सर मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिज्म कहीं ना कहीं अभी एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज़ देखी जाती है कास्ट पे। सर बिल्कुल ये एग्जिस्ट कर रही है। और वर्ना सिस्टम पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम ये ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ये वर्ण सिस्टम पे आपको क्या लगता है, ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर एज अबाउट द सोशियोलॉजी, ऑफ कोर्स सोसाइटी हैव द वेरियस वर्णास, लाइक ब्राह्मण्स आर एट द हाईएस्ट, क्षत्रिय एंड शूद्र आर द लोवेस्ट। तो आप इस पे बिलीव करते हो क्या, ऑर्डर पे इस पे? यस सर, आई बिलीव ऑन दीस थिंग। डू यू बिलीव? यस सर, सो बिकॉज according to sociology, these varnas are classified according to their work. Brahmins are those who giving educations or giving some morals, and shudras are, kshatriyas are those who are providing protection. And sir, according to their work, these are the classified. Okay, तो जो अभी present context में है, तो वो इसी के basis पे तो नहीं है? आज तो अब वो birth से बन गया है, तो आज तो अब वो एक्चुअल जो मीनिंग था वो तो चेंज हो गया है, नाउ इट डजंट एग्जिस्ट, है ना? तो आपने अपने नाम के आगे राठौर लगाया है, ठीक है? यस सर। तो आप ये नहीं सोचते हो कि ये कहीं वर्ना को ग्लोरीफाई कर रहा है, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्ना सिस्टम चल रहा है उसको ग्लोरीफाई कर रहा है? सर ऑफ कोर्स इट ग्लोरीफाइड समहाउ, बट सर बट दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स अ आइडेंटिटी, सो वी आर कैरिंग इट। ठीक है सर। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिफरेंस क्या है? सर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज एज डिफाइंड अंडर 2 सब क्लॉज C इन विच एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज इन विच पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। एंड समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल? सर समन ट्रायल आर दोज विच इज डिफाइंड अंडर चैप्टर 18 ऑफ द CRPC, and warrant trial are those which is defined under chapter 19, and when we see then the offenses which are punishable for a imprisonment 2 year or for exceeding 2 year, that are warrant trials. Compensation victim ko dene ke sambandh mein Supreme Court ke latest verdict kya hai? जजमेंट हुआ, कन्विक्ट किया, तो विक्टिम को कंपनसेशन दिया ही जाना चाहिए, 357(3) है मेरे ख्याल से। तो वो क्यों, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कि कोर्ट को जब कन्विक्शन दे रहे हैं तो विक्टिम के लिए क्या रिलीफ कंपनसेशन के संबंध में? सर एज द मेन ऑब्जेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अंडर सेक्शन 357A टू रिहेबिलिएट, रीट्रीटमेंट एंड टू अवर्ट द इंजरीज, सर दीज आर द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड। कंपनसेशन स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हो MP की, इस स्कीम के तहत कितना कंपनसेशन दिलाया जा सकता है किसी रेप विक्टिम को इनिशियली और बाद में, हाइस्ट कितना हो सकता है? आपने एक जिक्र किया ना MP विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का,
तो इसी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत कितना हम किसी रेप विक्टिम को इनिशियली और बाद में अधिकतम कितना हम उसे कंपनसेशन दिला सकते हैं? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा अभिलाषा ये बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, यस सर, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब होता है? सर डोमेस्टिक वायलेंस विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सर डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स एनी एक्ट डन बाय हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड विच अफेक्ट द फीमेल और लाइफ लिम्ब हेल्थ ऑफ द वुमन। सर दीज आर सर्टेन वायलेंस एंड इट कैन बी इन वेरियस वेज, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इकोनॉमिकली। ठीक है, एक पिता है वो अपनी बच्ची को पढ़ने नहीं देते जैसे अपने बेटों को पढ़ने देते हैं, तो मतलब उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट नहीं करते और कभी कभी ताने भी मारते हैं बेटी को, बहुत सारी जगह आपने ऐसा देखा भी होगा। क्या फादर ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अधीन अपराध किया? नो सर, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अपराध नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमेशा मैरिड वुमन को अवेलेबल होता है या फिर ऑन टू दोज फीमेल्स हु आर लिविंग लाइक अ मैरिज। आर यू श्योर कि केवल मैरिट पर ही एप्लीकेबल और नॉन मैरिट पर एप्लीकेबल नहीं होता? आर यू श्योर? आई एम जस्ट सर आई एम नॉट श्योर। आप श्योर नहीं है फिर आप चलिए ठीक है सर। करंट में मैं आपसे पूछता हूँ कुछ, 106 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? सर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अबाउट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ वुमन इन लोकसभा एंड द राज्यसभा and the allocation was 33% reservation। तो आपने कहा लोकसभा राज्यसभा, तो क्या विधानसभा इसमें included नहीं है क्या? No sir, विधानसभा is not included। Okay, और आप अनूपपुर से हैं है ना? Yes, sir। तो आप ये बता सकते हो कि MP का smallest division कौन सा है? Yes sir। In terms of population, not area wise। Sir, Shahdol division is the according to population wise is the lowest one. And in area wise? Sir, Chambal. You are asking me or telling me? Sir, I'm telling you the Chambal. Okay, ठीक है। और आपका hobby music सुनना है, गाना भी आप पसंद करते हो क्या? Yes sir। तो कैसे गाने आप सुनना पसंद करते हो? सर मैं हिंदी गाने पसंद। कोई फेवरेट सिंगर आपका? सर अरिजीत सिंह इज माय फेवरेट। अच्छा, मतलब क्या बेसिस है आपको, क्यों अरिजीत सिंह अच्छे लगते हैं? सर बिकॉज उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा सुरीली है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा। और सर वो लेटेस्ट सॉन्ग्स देते ही रहते हैं सर, दैट वाज द थिंग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी ऐसा डिस्कस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस बढ़ाने की बात चल रही है, अभी सिर्फ दिल्ली में है ना, तो अगर रीजनल बेंचेस बढ़ाई जाती हैं तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, आप हमें प्लीज़ ये बताओ। सर एक डिसएडवांटेजेस जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, सर जो PIL होती है जहाँ एक पब्लिक इश्यूज को एंटरटेन किया जाता है, तो लोग अननेसेसरी PILs लगाएंगे, जैसे कि दिल्ली पे है अगर हमारी बेंच, तो जो केरला पे रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रीजन्स होता है कि वो नहीं जा पाते दिल्ली, और अगर वो इजीली एक्सेस हो जाएगा उनको तो बहुत ज़्यादा PILs लगा सकते हैं। तो PIL तो हाई कोर्ट में भी लगते हैं? यस सर। तो सुप्रीम कोर्ट पे ना बढ़ के वो तो हाई कोर्ट पे बढ़ ही रहे हैं। यस सर। एंड ओवरऑल जुडिशरी पे बर्डन तो बढ़ ही रहा है। जी सर। तो ये क्या वाजिब आप जो बोल रहे हो आंसर, क्या ये सही हो सकता है क्या, आपको क्या लगता है? सर ये हो सकता है कि लोग छोटी छोटी बातों पे फॉर द ट्रिपल एक्ट्स वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी जी। एंड दिस विल आल्सो लेड्स टू पेंडेंस जस्टिस, तो कन्वीनिएंट हो जाएगा ना लोगों को कि इंदौर का आदमी दिल्ली क्यों जाए भाई, अगर भोपाल में बेंचेस है तो, या बिलासपुर में बेंच है तो छत्तीसगढ़ के लोग, उड़ीसा के लोग अभी दिल्ली जाते हैं सभी लोग। यस सर। तो उनके लिए तो ठीक होगा अगर बेंचेस होंगी अलग अलग। अच्छा ये बताइए, आप एक वर्किंग प्रोफेशन में आने की कोशिश कर रही हैं। यस सर। इसके लिए एक एक्ट भी है, दैट इज अ वर्किंग वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। यस सर।
एक विशाखा की गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट के, तो इस गाइडलाइन के बारे में बता पाओगे आप, इसके कुछ फ्यू पॉइंट्स, क्या गाइडलाइन थी और इसके कुछ पॉइंट्स अगर आपको हो तो कम से कम 5 पॉइंट्स आप मुझे बताएं। यस सर, फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस गाइडलाइन लाई गई थी सुप्रीम के द्वारा, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2013। सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया था कि स्टेट एक लॉ बनाए ताकि ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट है इनको रोका जाए और कहीं ना कहीं जो सेफ्टी होती है वोमन्स की वो अब लेवल कराई जाए और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं सर वो कहीं ना कहीं कम हो एंड इक्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, जॉइंट सिटिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेज की, तो अभी तक टोटल 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है, ठीक है, तो मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके लिए आप लोग पढ़ते भी हो, तो एक्ट आप बता सकते हो कोई एक जिसके लिए जॉइंट सिटिंग हुई थी, 3 बिल आए थे और बिल फिर एक्ट बने, तो आपको पता है कि कब कब जॉइंट सिटिंग हुई थी? अभी तक सिर्फ जॉइंट सिटिंग 3 बार हुई है अभी तक इंडियन के 1950 के बाद से अभी तक, तो आप चलो एक महिलाओं से रिलेटेड कानून है उसके बारे में बता दीजिए, 3 में से एक ऐसा एक्ट है जो वुमेन से रिलेटेड था, एग्जैक्टली, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट था और आपके सिलेबस में भी है, एग्जैक्टली, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, इट इज डाउरी प्रोविजन एक्ट 1960। चलिए, यू हैव टू से थैंक यू टू सर, सर ने आपको आंसर बताया। अच्छा ये बताएं, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आपके सिलेबस में है, यस सर, क्या होता है ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसकी डेफिनेशन आप बताएं। जी सर, इंडिसेंट मींस व्हिच इज ओब्सीन एक्ट, एनी ओब्सीन एक्ट व्हिच इज सेल व्हिच इज प्रिंटेड बाय एनी पब्लिशर और सेल विद इन द पब्लिक। सर इंडिसेंट मींस अकॉर्डिंग टू, सर मे आई सपोर्ट विद द केस लॉ? नो नो, आप कंटिन्यू करें जो भी आपको बताना हो, आपका आंसर है जो भी आप जोड़ना चाहें। सर अकॉर्डिंग टू, सर देयर वाज अ टेस्ट दैट वेदर अ पर्टिकुलर मैटर इज ओब्सीन और नॉट, दैट वाज अ हिकलिन टेस्ट, दैट एनी मैटर अपॉन रीडिंग इन इट इट क्रिएट्स ए लैक्सीवियस एंड लस्टफुल फीलिंग ऑन द माइंड ऑफ अ रीडर, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट वी कैन डिक्लेयर एनी मैटर एज एन ओब्सीन। एंड इंडिसेंट मीन्स एनी फोटोग्राफ और द लिथोग्राफ सर्टिंग थिंग्स which shows a lower to the dignity of a woman, these are. Okay, already there is a act IPC, आपने हिकलिन टेस्ट का बात किया, तो ऑलरेडी आई पी सी थी जहाँ पे ऑब्सिनिटी को कवर किया जा रहा है, फिर ये अलग से एक्ट आप क्यों लेके आए, फिर अलग से एक्ट आना मतलब बर्डन नहीं अपने ऊपर, ये एक अलग से एक्ट लेके आ गए? सर दीज आई पी, यस ऑफ कोर्स आई पी सी इज ऑल्सो इन एग्जिस्टेंस सर, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग दिस एक्ट इज टू प्रोहिबिट द प्रिंटिंग एंड सेलिंग ऑफ दिस, प्रिंटिंग एंड सेलिंग ऑफ दिस। आप शेड्यूल कोर्ट में कभी अपीयर हुई है? नो सर। नहीं? नो सर। कौन डिस्ट्रिक्ट जज है? नहीं मालूम? नो सर। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 और 3 में बताया गया है, तो क्या इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैरिज होती है तो क्या करना चाहिए इनको, मतलब लड़के के लिए लड़की के लिए क्या इसकी एक प्रिपरेशन होनी चाहिए? सर डाउरी सेक्शन 2, 3, 4, 3 है ये सर, 3 इटसेल्फ सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट taking and giving dowry both are the punishable, and section 4 talks about when any person giving dowry is also punishable or any person's agreeing enter in agreement for providing dowry, these are punishable. Okay, thank you.